गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है मंडे, दी और ये ऑफिस जाएंगे। तो दी ने कहा मुझे कि रजनी आज आलू के परांठे बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है दी। तो दी और इनके लिए आलू के परांठे बन रहे हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। दी ने आटा और आलू का मैस पहले से ही बना के रख दिया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे। तब तक आप देखिए क्या क्या कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग ईछू, ईछू उठ चुका है। गुड मॉर्निंग। अब देखो मैं मम्मी पापा की बेड शीट को चेंज किया है आज। मुझे बेड शीट थोड़ी सी मतलब टाइट लगाना पसंद, ताकि वो रिंकल्स ना आए। अब ईशू नहा के आ चुका है, दादी के पास बैठ चुका है। अब दोनों टीवी देख रहे हैं। अब आगे मैं मम्मी पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, रोटी सेक रही हूँ। उधर पापा का दूध गर्म हो रहा है, दलिया बन रहा है, सब्जी बन रही है। ये बुन्नो भाई साहब अपने खाने का वेट करें कि मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो। लो बुन्नो, ये बुन्नो खाना खा ले, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और जाओ रेस्ट करो। इसके बाद मैं अपने और काम ख़त्म करूँगी, फिर दिन का लंच बनाऊँगी। ये रहा दिन का लंच, मैं गोभी के परांठे बना रही हूँ। ये मैंने मसाले लिए, गरम मसाले, ये हल्दी, नमक मिर्च, ये गोभी है, हरी मिर्च है, धनिया है, मेथी है, ये मैंने अदरक लिया है, थोड़े लहसुन भी लिए मैंने। और ये मैं तब तक खिचड़ी भी बना रही हूँ, ईशू की खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने खिचड़ी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा घिया और बीन्स भी डालती हूँ मैं इस खिचड़ी में। खिचड़ी बन चुकी है, मैं मम्मी के लिए परांठे बना रही हूँ। ये पहले पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पापा को प्लेन परांठे चाहिए होते हैं। पापा के परांठे पे ये नहीं लगते, क्योंकि वो सिंपल परांठे खाते हैं, परांठे सीख रहे हैं। और अब ये पापा का लंच तैयार, अब मैं मम्मी के लिए परांठे बना रही हूँ। मम्मी के परांठे देखो कैसे भी दो रोटियाँ बेल के उस पर मसाला फिलअप करके रोटी के ऊपर रोटी चिपका के ये मम्मी के लिए परांठा बनता है। मम्मी बहुत ही सिंपल तरीके से परांठे खाती है। ये लो मम्मी के परांठे, ये मैं अपना खाना खा रही हूँ, दिन का लंच खा रही हूँ। लो ईशू, अब लो ईशू क्या कर रहा है। ईशू दादी के साथ मस्ती करने पे लगा हुआ है, रश खा रहा है। बुन्नो भी देखो आ गया, दादी के साथ मस्ती कर रहा है। चलो अब बुन्नो और मैं और ईशू घूमने जाएंगे। अब हम आ गए पार्क में। ईशू भी डंडे के साथ खेल रहा है, बुन्नो सुसु पॉटी करने पे लगा हुआ है अपना। ईशू अपनी मस्ती में लगा हुआ घूमता हुआ इधर उधर देखते हुए बुन्नो के पीछे। चलो अब हम घर जा रहे हैं, ईशू को बुला रहे हैं। लेकिन ईशू हम घर जा रहे हैं। देखो ईशू सीढ़ियों पे कैसे चढ़ रहा है। अब हम घर पहुंच गए। ईशू अपने सतानियों पे लग गया, बुन्नू भी अपना वेट कर रहा है डिनर का। अब मैं डिनर बनाने की ट्राई कर रही हूँ। मम्मी और ईशू देखो, ईशू के साथ पे टीवी देखता है। मैंने दाल बनाई है, चने की दाल। दीदी भात और रोटियाँ बना रही है। अब हम डिनर करेंगे सबसे पहले मम्मी पापा को डिनर करवाऊँगी, उसके बाद बुन्नू को डिनर करवाऊँगी, उसके बाद जाके मैं ईशू को डिनर कर कुछ आया है वो देखते हैं। ओ दीदी के ये कुर्ते आए हुए, देखो दीदी के लिए कुर्ता का शर्ट एंड प्लाजो मंगाया था। एक ये है, एक और मंगाया था दीदी ने। ये देखो दूसरा, ये वाइट बेस है, वो ग्रीन, वो मेहंदी कलर का है। बहुत ही सुंदर कुर्ते हैं। 10:30 बज चुके हैं और ईशू को डांस करने से फुर्सत नहीं है। रात के 10:30 बजे बाहर गया हुआ डांस करने के लिए, आ ही नहीं रहा था, आने के लिए रो रहा है। और मम्मी पापा सब सो चुके हैं, बगैर ईशू नहीं सो रहा है। चलो गाइस गुड नाइट।